नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। देश विदेश में भारत का नाम चमकाने वाले देश के पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाल लिया है। भारतीय पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए जाने पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य रेसलर जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं समेत पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जनता मंदिर पर पहलवानों ने धरना प्रदर्शन पर कोच सुरेंद्र ने कहा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उतर कर आए हैं, एक खिलाड़ी गलत हो सकता है, इतने खिलाड़ी गलत नहीं हो सकते। जितना अत्याचार अब सुना है उतना कभी नहीं सुना। वहीं कोच प्रदीप धैया ने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ी अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। विनेश एक बड़ी महिला खिलाड़ी है और अगर वो आरोप लगा रही है तो इसका मतलब है कि उनके साथ कुछ तो हुआ होगा। आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर बैरिकेटिंग और सुरक्षा बढ़ाई गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जनता मंदिर पर पहलवानों के विरोध का आज दूसरा दिन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद देश के पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।